हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी, सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। लोग बेसहारा लाचार लोगों पर क्यों हंसते हैं, क्यों मजाक उड़ाते हैं उनका, क्यों उन्हें अपने मनोरंजन का साधन समझते हैं? उन बेसहारा और लाचार लोगों में और मूक जानवरों में कोई फर्क नहीं है क्या? पता नहीं वो कहाँ होंगे, मैं उन्हें कब से ढूंढ रही हूँ, न जाने क्या हुआ होगा उनके साथ, कौन देगा उन्हें सहारा? अरे देखो तो, लगता है कोई गिर गया है। अरे कोई बचा उसे, अरे पानी बहुत गहरा है, मर जाएगा भाई। का कौन? कोई नजर तो नहीं आ रहा। पता नहीं इस तूफान में कितने लोग मारे गए होंगे। यहाँ से भी कुछ लोग पानी में गिरकर मरे होंगे। राजेंद्र के पिताजी, राजेंद्र के पिताजी, राजेंद्र के पिताजी, राजेंद्र के पिताजी, पापों की सजा दे रहा है। मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ। शादी के समय अग्नि को साक्षी बांधकर मैंने उनका साथ देने का वचन लिया था, सुख में दुख में हर समय। लेकिन आज जब उन्हें मेरी जरूरत है, मेरे साथ की जरूरत है, तो मैं उनकी मदद नहीं कर पा रही। मैं उनकी आंखें बनना चाहती हूँ, लेकिन नहीं बन पा रही। लानत है मुझ पर। राजेंद्र के पिताजी, सच्चाई के रास्ते पर चलना एक व्रत है, ऐसा व्रत जो तलवार की धार पर चलने जैसा है। इस व्रत में वही सफल होते हैं जिनकी मालिक के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट भक्ति, अटूट आस्था और अटूट विश्वास है। ऐसे ही भक्त हर अग्नि परीक्षा में सफल होकर अंत में मालिक के परम धाम की प्राप्ति करते हैं। सबका मालिक एक। अब किधर जाऊं? यहां तो दो रास्ते हैं, पता नहीं किधर गए होंगे। रामलाल जी, रजिंदर, रामलाल जी,
मैं बहुत दूर तक आ गई हूँ, फिर भी वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। कहीं मैं उन्हें गलत रास्ते पर तो नहीं ढूंढ रही? बाबा, मेरे पति की रक्षा करना। हे, देखो देखो, हमारे मनोरंजन का साधन आ गया, चलो अब मजे करते हैं। हे, कोई कुछ बोलेगा नहीं, चुप रहना, चुप रहना। मनीषा। अरे अरे, मेरे अलावा भी कुछ लोग हैं इस जंगल में। भाइयों, आपने मेरी मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को यहाँ से जाते हुए देखा है? तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा? हाँ, मेरा नाम रामलाल है। वो लोग आवाज लगा रहे होंगे, रामलाल पिताजी, ऐसे आपने भी देखा है? हाँ हाँ, वो अभी भी तुम्हारे दाईं तरफ गए हैं। हाँ, मेरी दाईं तरफ गए हैं? हाँ। धन्यवाद धन्यवाद भाइयों। हे बाबा, तुम बहुत दयालु हो। अब मैं अपनी अपनी पत्नी और अपने बच्चे से मिल जाऊंगा। ये क्या करते हो भाइयों? मेरी लकड़ी कहाँ गई? मनीषा, राजेंद्र, मनीषा। क्यों देखो परेशान करते हो भैया? तेरे को खड्डे से निकालो भैया, तेरे को खड्डे से निकालो। रामलाल जी, अच्छा अच्छा, ये लो रामलाल जी, मेरा हाथ पकड़ो और खड्डे से बाहर आ जाओ। मनीषा, राजेंद्र के पिताजी, राजेंद्र, मनीषा। अबे वो अंधे, आगे नदी है, उस तरफ जाएगा तो नदी में जा गिरेगा। सामने जा, सामने। मनीषा, राजेंद्र चले गए। राजेंद्र, मनीषा। लोग बेसहारा लाचार लोगों पर क्यों हंसते हैं, क्यों मजाक उड़ाते हैं उनका, क्यों उन्हें अपने मनोरंजन का साधन समझते हैं? उन बेसहारा और लाचार लोगों में और मूक जानवरों में कोई फर्क नहीं है क्या? जब सब लोग उन्हें सताते हैं तो वेदना मुझे होती है।
दर्द मुझे होता है। किसी की बेबसी का मजाक उड़ाना इंसानियत नहीं। आप लोग मेरे गले में रस्सी क्यों डाल रहे हैं? अरे कुत्ता कभी अपने मालिक से पूछता है कि उसके गले में रस्सी क्यों बांधी है? आप लोग मुझे कुत्ता समझ रहे हो? अभी कुत्ता जैसा भौंको। मारो से। जो भी इंसान बेजुबान जानवरों का और अंधे अपाहिजों का मजाक उड़ाते हैं वो मालिक की कृपा के लायक नहीं है। लगता है इस शरीर की मर्यादाओं का पालन करते हुए मैं अधूरा पड़ जाऊंगा। मुझ पर सौंपा हुआ मालिक का काम मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। हे मालिक, तुम तो रहम दिल हो, लेकिन तुम्हारा बनाया ये इंसान ये बेरहम क्यों है?